नमस्कार साथियों, बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है धान की संपूर्ण खेती के बारे में। और ये जो क्लास है ये आपकी डेमो क्लास है, जो बच्चे यूपी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। क्लियर है? जो बच्चे यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम एक कोर्स लेकर आने वाले हैं। उस कोर्स के अंदर संपूर्ण अध्ययन आपको हिंदी माध्यम में करवाया जाएगा, आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी माध्यम में ही आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे और हिंदी माध्यम में ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो उसका आज ये पहला लेक्चर है। और ये जो कोर्स होगा ये यूपी पीजीटी के लिए होगा, यूजीटी के लिए होगा और जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोर्स होगा। संपूर्ण अध्ययन इसमें हिंदी मीडियम में करवाया जाएगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर आज होने वाला है हमारा धान की खेती के लिए। ये आपका क्या होगा, डेमो लेक्चर होने वाला है। धान की संपूर्ण खेती के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसा कि जनरली आप सभी लोग जानते हो, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है या जिन्होंने 11th 12th भी पढ़ रखा है, उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन उनको हर एक क्रॉप के बारे में पता है ना? तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, धान मतलब पेडी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस क्रॉप से और वीट की क्रॉप से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है? इस जो भी हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ाएंगे उसके महत्वपूर्ण बिंदु, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लास्ट में आपको पूरे के पूरे यहाँ पे दिए जाएंगे, क्लियर है? जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बन सकते हैं, 30 40 पॉइंट सारे के सारे। तो आज हम पढ़ रहे हैं धान की खेती। तो बेसिक इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, परिवार क्या है, गुणसूत्र क्या है, सारी चीजें। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है धान का? धान का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। क्या है इसका नाम? ओराइजा सटाइवा, क्लियर है? किस परिवार का पौधा है, किस कुल का पौधा है ये? तो आप सब लोग जानते हो कि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, जितनी भी ये सीरियल क्रॉप्स हैं, ये सब की सब ग्रेमिनी में आती है। बट ये ध्यान रखना आपको कि ये जो ग्रेमिनी नाम था, ये नाम जो था इसका, ये पुराना नाम था, ओल्ड नेम है इसका। और इस कुल का जो नाम जो है बदला गया है, नाम जो इसका नया नाम है वो क्या है, पोएसी है। क्या नाम है इसका? नया नाम, नया नाम इसका क्या पड़ा है, पोएसी। ये आपको याद रखना है, ग्रेमिनी भी है इसका परिवार और पोएसी भी है। मतलब जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हमारी हैं, धान वाली फसलें हैं, जैसे अपना हो गया वीट, गेहूं हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, ये सबका क्या रहेगा, ग्रेमिनी और पोएसी रहेगा, क्लियर है? फिर इसकी बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको ये उत्पत्ति स्थान याद रखना है, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया याद रखना है, क्लियर है? अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है। वैसे तो और क्या होता है इसका, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा राइस की, धान की फसल में, कि इंडो बर्मा भी राइस का ओरिजन है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दक्षिण पूर्व एशिया याद रखना है और इंडो बर्मा भी ध्यान में रख लीजिए, कई बार इसको भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, गुणसूत्र संख्या क्या होती है धान की? तो गुणसूत्र संख्या होती है 24, 2N=24, क्लियर है? ये जस्ट बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन, हम जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं जो आप लोग पहले से जानते हो। वन बाय वन आगे पूरी स्टडीज की करने वाले हैं हम। फिर इसकी बात करते हैं कि धान की जो फसल है हमारी वो कैसी है, मतलब स्वपरागित है या पर परागण है, इसमें पर परागित फसल है, सेल्फ पोलिनेटेड है या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। तो धान की जो फसल है वह स्वपरागित फसल है, ध्यान रखना आपको क्या है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जितने भी यहाँ पे हाईलाइटेड किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो धान की जो फसल है वो क्या है, स्वपरागित फसल है। स्वपरागण पर परागण क्या होता है, ये ब्रीडिंग का पार्ट है, वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। फिर भी एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, मतलब जो फ्लावर होता है, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है? ये अगर ये फ्लावर है, ठीक, इस फ्लावर में अगर मान लो ये क्या है, ये एंथर होता है और इसमें क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है। तो ये एंथर जो हमारा क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और ये स्टिग्मा ये मे फीमेल पार्ट होता है। तो जब एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं स्वपरागण। तो धान ऐसी फसल है जिसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। दूसरी चीज, धान क्या है, लघु दिवस फसल है। लघु दिवस मतलब ऐसी फसल जिसको दिन का जो प्रकाश है वो 12 घंटे से कम चाहिए, 12 घंटे से कम दिन का प्रकाश चाहिए, 12 घंटे से कम दिन का प्रकाश चाहिए, उसको लघु दिवस फसल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये फोटो पीरियडिज्म के आधार पर है,
तो लघु दिवस मतलब क्या हो गया, ऐसी फसल जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश की, दिन के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे लघु दिवस फसल कहते हैं। और जिस क्रॉप को 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश के दिन की आवश्यकता होती है, उसको लघु दिवस फसल कहते हैं। एक होता है डे न्यूट्रल, प्रकाश निष्प्रभाव पौधे, प्रकाश का जिन पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल मतलब प्रकाश निष्प्रभाव पौधे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे चीज़ें हमको समझते जाना है। लघु दिवस धान की फसल को लघु दिवस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो दिन का जो तापमान है, दिन का जो लाइट है, इसको जो लाइट की जरूरत होती है वो 12 घंटे से कम जरूरत होती है। ठीक है, वैसे खरीफ की क्रॉप है, तो आपको याद कैसे रखना है, जितनी भी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, जितनी भी खरीफ क्रॉप है, खरीफ फसलें हैं, वो सारी की सारी क्या है, लघु दिवस है, लघु दिवस फसलें हैं, याद रखना। जितनी भी खरीफ क्रॉप है, सब की सब क्या है, लघु दिवस फसलें हैं, क्लियर। और जितनी भी क्या है, रबी फसलें हैं, जितनी भी रबी फसलें हैं, वो सब क्या है, दीर्घ दिवस फसलें हैं, याद रखना, दीर्घ दिवस फसलें हैं। ये याद रखने का तरीका है आपका। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इन दोनों में आपको याद रखना है प्रकाश निष्प्रभाव फसलें, मतलब आपको डे न्यूट्रल प्लांट याद रखने हैं, डे न्यूट्रल प्लांट जो है वही याद रखने, मतलब प्रकाश निष्प्रभाव, प्रकाश निष्प्रभाव पौधे आपको याद रखने हैं सिर्फ, क्लियर है। जैसे आपको पता है कि राइस खरीफ क्रॉप है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये लघु दिवस फसल है। जैसे आपके दिमाग में आ जाएगा कि वीट, गेहूं जो है वो क्या है, रबी की फसल है, मतलब ये दीर्घ दिवस फसल है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आप बात करोगे मक्का की, है ना, ये मक्का की, आप अगर ये दिमाग लगाओगे कि ये तो क्या होती है, तीनों सीजन में होती है ना, ये रबी में भी होती है, जायद में भी होती है, खरीफ में भी होती है, तो तीनों मौसम में इसको ये होती है, मतलब इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए तो हम इसको तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, प्रकाश निष्प्रभाव फसल हो गई, टमाटर हो गई, और भी ऐसी फसलें हैं ना जो प्रकाश, जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखने का तरीका, जो फसल तीनों सीजन में होती है वो प्रकाश निष्प्रभाव होती है, तभी तो उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारी धान है वो क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड मतलब स्वपरागित फसल है और लघु दिवस फसल है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश जो है वो किस प्रकार का पौधा है, C3 प्रकार का पौधा है। ठीक है, एक होता है C3, एक होता है C4, एक होता है केम प्लांट। ये तीनों चीज़ें सारे क्रॉप फिजियोलॉजी में डिटेल में इनको समझेंगे। C3 मतलब जिसके अंदर 3 कार्बन हो, ठीक है, और C4 मतलब जिसके अंदर 4 कार्बन हो। C3 साइकिल मतलब जिसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। C4 में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो C3 पौधे, तो यहाँ पे धान क्या है, कौन किस प्रकार का पौधा है, सीधी प्रकार का पौधा है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है C3 प्रकार का पौधा है, C4 प्रकार का पौधा है, या केम पौधा है। तो आपको एक एक चीज़ें याद रखनी, जितना भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं या सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है धान का पुष्पक्रम, क्या है धान का पुष्पक्रम, पुष्पक्रम मतलब इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस मतलब कि वही, मतलब फ्लावर पोर्शन, मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्लावर पोर्शन, जो फूल वाला पोर्शन होता है, जहाँ पर फूल आना शुरू हो जाते हैं, इसमें जो फूल आना शुरू हो जाते हैं, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो धान का जो फ्लावर पोर्शन होता है, फूल वाला हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। और धान के इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, धान का जो इन्फ्लोरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, एक और ऐसी फसल है जिसको पेनिकल कहा जाता है, उसके इन्फ्लोरेशन को फोनी पेनिकल कहा जाता है। याद रखने का तरीका है, हमेशा हमें कंपेरिजन करके पढ़ना है कि धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है, और एकमात्र एक और फसल ऐसी है जिसके इन्फ्लोरेशन को पेनिकल कहते हैं, वो है ज्वार। ठीक है, याद रखना, ज्वार के इन्फ्लोरोसेंस या ज्वार के जो पुष्पक्रम है, सोरगम का जो पुष्पक्रम है, उसको भी पेनिकल कहा जाता है। पेनिकल मतलब क्या होता है, फ्लावर पोर्शन, जहाँ से फ्लावर आना शुरू होते हैं, जहाँ पे फ्लावर आते हैं, और जैसे बोल सकते हैं फूलों का गुच्छा, उसको हम इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं धान का जो दाना होता है, जो ग्रेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस, क्या बोला जाता है उसको, कैरियोप्सिस कहा जाता है। धान का जो फल होता है या जो दाना होता है उसको कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका, जितनी भी अनाज वाली फसलें या जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं, उनमें सब में क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है, उनके दाने को कैरियोप्सिस कहा जाता है, क्लियर है।
जितनी भी धान वाली फसलें हैं सब क्या है, कैरियोप्सिस है। उनके दाने को या उनके फ्रूट को फल को क्या कहा जाता है, कैरियोप्सिस कहा जाता है। धान का जो तना होता है उसको क्या कहते हैं, धान के तने को हम कहते हैं कलम या हल्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना, धान का जो तना होता है, स्टेम होता है, ठीक है, धान का जो स्टेम होता है उसको क्या कहा जाता है, कलम या हल्म कहा जाता है। पेनिकल के नीचे, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है, देखो ये राइस का जो प्लांट होता है हमारा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये राइस का जो प्लांट है हमारा, ठीक है, ये राइस का जो प्लांट है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो इसका क्या निकल रहा है, ये पेनिकल बोल सकते हैं या ग्रेन पोर्शन जो है हमारा इस तरीके से निकलता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पेनिकल के नीचे की जो पोर्शन रहता है, पेनिकल का नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पेनिकल के नीचे और सबसे ऊपरी वाली पत्ती, यहाँ से ये इसको, ये जो लीफ है इसको कवर करते हुए निकलती है, इस पेनिकल को कवर करते हुए निकलती है। इस लीफ को क्या कहते हैं, ये लिखा है ना, पेनिकल के नीचे, ठीक है, ये पेनिकल के नीचे सबसे ऊपर वाली पत्ती। अब पेनिकल के नीचे तो बहुत सारी पत्ती, यहाँ पे भी निकली हुई है, यहाँ पे भी निकली हुई है, यहाँ पे निकली हुई, तो पेनिकल के नीचे सबसे ऊपर वाली ये वाली पत्ती, ठीक है, उस पत्ती को क्या कहते हैं हम, झंडा पत्ती। क्या कहते हैं, झंडा पत्ती, मतलब क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं फ्लैग लीफ। क्या कहते हैं, फ्लैग लीफ। इसका रोल क्या है, ये चीजें हमें समझनी, यही यहां से क्वेश्चन बनता है कि पेनिकल के नीचे सबसे ऊपर वाली पत्ती जो पेनिकल को कवर करते हुए जाती है उसको हम फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती कहते हैं। इसका मेन रोल क्या है, इसका मेन रोल है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना। इसका मेन रोल क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण तो सारी पत्तियां करती है, फिर झंडा पत्ती का क्या रोल है, ये सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करती है, याद रखना, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन करती है, फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती। कितना, लगभग 56% करती है। यही तो मेन चीज है इसमें समझने वाली, भैया सारी पत्ती पूरा प्लांट ही प्रकाश संश्लेषण करता है तो फिर झंडा पत्ती का क्या रोल है, झंडा पत्ती मतलब जो पेनिकल के नीचे सबसे ऊपर वाली पत्ती जो पेनिकल को कवर करते हुए जाती है उसका जो मेन रोल है वो प्रकाश संश्लेषण तो करती है, लेकिन पूरे प्लांट में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण ये झंडा पत्ती करती है, और सबसे अधिक कितना, तो 56% ये प्रकाश संश्लेषण करती है। यही चीज आपको समझनी है वन बाय वन, ठीक है, यही प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है। दाना, कैरियोप्सिस। अब जो राइस का जो ग्रेन होता है, ये आपने देखा, ये राइस का ग्रेन है, जो दोनों राइस है, ये राइस जो है जो हम खाते हैं, ठीक है, और ये इसको हम धान बोलते हैं, जो हम क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है, ये क्या है, धान जो हम उगाते हैं, इसी के हम पॉलिशिंग वॉलिशिंग करके इसका छिलका रिमूव करके क्या बन जाता है, ये सफ़ेद वाला राइस बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेन आपको दिख रहे हैं, इस ग्रेन का जो ये है पार्ट, ये दो पार्ट में कवर रहता है, ठीक है, दो पार्ट इसमें कवर्ड रहते हैं, ध्यान रखना आपको, दो चीज़ों से ये कवर्ड रहता है, ठीक है, राइस का ग्रेन, एक तो होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और एक होता है इसमें नीचे वाला हिस्सा, ये दो चीज़ से कवर रहता है। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, लेमा, नीचे वाला हिस्सा, एक क्या होता है इसमें, पेलिया। तो धान का जो ग्रेन होता है दो पार्ट, लेमा और पेलिया से टाइटली इंक्लोज्ड होता है, टाइटली कवर्ड होता है धान का जो ग्रेन होता है, अंदर जो ये दाना है, ये सफ़ेद राइस जो आपका निकलता है, ये इन छिलकों के अंदर एकदम कवर्ड रहता है। तो इन छिलकों को क्या कहते हैं, लेमा और पेलिया कहते हैं, और लेमा और पेलिया को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, लेमा और पेलिया को एक साथ कहकर हल कहा जाता है, ठीक है, ये लेमा प्लस पेलिया, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, कि धान का जो कैरियोप्सिस होता है लेमा और पेलिया से मजबूती से परिवक्र रहते हैं, जिनको सामूहिक रूप से छिलका या इसको हम क्या बोल सकते हैं, हल कहते हैं, ठीक है। और हल को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, इस मतलब इनको अलग करेंगे तभी तो वाइट ग्रेन, अलग करने किससे अलग करते हैं, हलर से, किससे अलग करते हैं, हलर मशीन से अलग करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हलिंग कहलाती है। तो अब बताइए धान का जो हलिंग प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो धान का जो हलिंग प्रतिशत होता है वो 65% होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हलिंग प्रतिशत मतलब कि जो अभी हमने देखा ना छिलका और दाना का जो रेशियो है, तो मतलब उसमें हमें क्या मिल जाता है, 65% हलिंग परसेंट, मतलब हमें इतना दाना मिल जाता है और बाकी 35% छिलका निकल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धान की प्रजातियाँ। तो बच्चों धान की जो है टोटल 24 प्रजातियाँ होती है, ठीक है, कितनी होती हैं, 24 प्रजातियाँ।
अब उन 24 प्रजातियों में सभी तो सभी पे तो कर, सभी को तो हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो उसमें से दो प्रजातियां हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं। वो दो प्रजातियां कौन सी है? एक तो है ओराजा सटाइवा, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, जिसका बोटनिकल नेम ओराजा सटाइवा अभी हमने पढ़ा, और एक होता है ओराजा ग्लेबेरिमा। तो पहले ओराजा ग्लेबेरिमा को देख लेते हैं। ओराजा ग्लेबेरिमा जो है, हम इंडिया में उसका कल्टिवेशन नहीं करते हैं, मतलब कहीं नहीं होता उसका कल्टिवेशन। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? पश्चिम अफ्रीका में। मतलब ओराइजा ग्लेबेरिमा का जो कल्टीवेशन होता है वो सिर्फ अफ्रीका के अंदर होता है। क्लियर है? अब ओराइजा सटाइवा का जी जो प्रजाति है हमारी ओराइजा सटाइवा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है या वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये जो ओराइजा सटाइवा है, ये 24 प्रजाति में से एक और प्रजाति है ओराइजा निवोरा, उससे ये विकसित हुई है। क्लियर है? ओराइजा सटाइवा किससे विकसित हुई है? ओराइजा निवोरा से विकसित हुई है। अब इसको फिर से तीन अलग उप प्रजातियों में बांटा गया है। एक इंडिका होता है, एक जेपोनिका होता है, एक और क्या होता है? जावानिका होता है। ठीक है? इंडिका मतलब जो इंडिया में हम ग्रो करते हैं, जो क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल उष्णकटिबंधीय धान बोलते हैं। दूसरा जापानिका मतलब जो जापान में ग्रो होती है ना, जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जिसको बोला जाता है। और जो जापान में जो वैरायटी होती है, जापान की जो वैरायटी है जेपोनिका, उसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि वो लॉजिंग रेजिस्टेंस होती है। लॉजिंग रेजिस्टेंस मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने कभी अपने फील्ड पे गए होंगे या अपने खेत पे, अपने घर पे खेत पे गए होंगे, जब फसल पकने के लिए तैयार हो जाती है, जब एकदम तेज हवा आ जाती है, कई बार क्या होता है तेज हवा आ जाती है, हम पानी दे देते हैं उस समय, ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो जो जो जिसके तने कमजोर होते हैं वो ऐसे लेट जाती है, वो क्या होता है, वो प्लांट जो ऐसे लेट जाता है या फसल पूरी पूरी गिर जाती है, नीचे लेट जाती है, उसको बोलते हैं लॉजिंग। तो जापानिका जो वेराइटी है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है। फिर आती है जवानिका, जो इंडोनेशिया में ग्रो करती है, जंगली प्रजा की बालू राइस होती है। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। ठीक है? धान की प्रजातियाँ कितनी होती है? टोटल 24 प्रजातियाँ हैं। ठीक है? दो पर हम खेती करते हैं, उसमें कौन सी? ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है? ग्लेबेरिमा जैसे मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ पश्चिम अफ्रीका में इसको ग्रो करते हैं। ओराइजा सटाइवा किससे बनी है? यह भी मैंने बताया, ओराइजा सटाइवा जो है ओराइजा निवोरा से विकसित हुई है, और इसको तीन उप प्रजातियों में बांटा गया है। पहली बात करते हैं जापानिका, इसको मुख्य रूप से कहाँ? जापान में। जापान में कहाँ पे? उपोष्ण और समशीतोष्ण क्षेत्रों में, कटिबंधी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। उपोष्ण और समशीतोष्ण, ठीक है? उपोष्ण और समशीतोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। जेपोनिका प्रजाति जो है गिरने के प्रति प्रतिरोधी होती है, मतलब ये लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? ये लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंस होती है। ठीक है? फिर आती है इंडिका। इंडिका जो है, जो हम इंडिया में ग्रो करते हैं, और इंडिया में ग्रो कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? कई बच्चों को अभी तो ये नहीं पता है कि हम ट्रॉपिकल रीजन, भारत के किस क्षेत्रों को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो जैसे आप अगर भारत का नक्शा देखोगे, हाँ, ये ठीक है, ये भारत का नक्शा अगर आप देखोगे तो ये साउथ वाला इलाका है, ये पूरा क्या है हमारा? ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है? ये ट्रॉपिकल रीजन है। ये ऊपर वाला इलाके में जाओगे तो ये आ जाएगा हमारा टेम्परेट रीजन, मतलब ठंडा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या है? सब ट्रॉपिकल है। क्लियर है? जब हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे टेम्परेट फ्रूट, अब जब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल फ्रूट पढ़ते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पूरा रीजन वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र जो है किस किस रीजन में आते हैं। अभी समझ लो कि ये ट्रॉपिकल क्या है, पूरा साउथ वाला एरिया। और जनरली आपको पता है धान की खेती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा साउथ में ही होती है, दक्षिण भारत में होती है। क्लियर है? तो ये उष्णकटिबंध, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इंडिका को हम ग्रो करते हैं। जावानिका को हम बालू राइस भी कहते हैं, ये जंगली प्रजाति होती है। ठीक है? इसकी खेती मुख्य रूप से इंडोनेशिया में की जाती है, बस इतना ही है इसमें। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है। तो याद रखना, जापानिका दिमाग क्या लगाना है आपको, हर चीज़ रटने की नहीं होती। हमने अभी क्या पढ़ा? जेपोनिका लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंस होती है, वो गिरने के प्रति प्रतिरोधी होती है। सीधी सी बात, उसमें ये समस्या नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? जेपोनिका की, उसके बाद जावानिका की, और उसके बाद इंडिका की। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है तीनों सब प्रजातियों में से? उप प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा है जेपोनिका की, उसके बाद जावानिका की, उसके बाद इंडिका की। क्लियर है? और ओराइजा ग्लेबेरिमा में हमने पढ़ लिया, सिर्फ पश्चिम अफ्रीका में ये होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, है ना, जनरल इन्फॉर्मेशन थी धान के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। अब उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे हम आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट की। किसकी बात करेंगे? क्लाइमेट की, जलवायु की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धान की जो फसल है उसको हम कब लगाते हैं?
जो अभी अभी जो सीजन चल रहा है, अभी क्या सीजन चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है हमारा, कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है मई, और जून आने वाला है। क्या आने वाला है? जून आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि अस और ऑटोमन जो राइस होता है, धान होता है, उसको हम कब लगाते हैं? मई जून में लगाते हैं, जून जुलाई में भी लगाते हैं। उसको कौन से को लगाते हैं? अमन को लगाते हैं, ठीक है। और नवंबर दिसंबर में लगाते हैं किसको? बोरो को। आगे पढ़ेंगे उसको। तो आपको पता है कि धान की जो फसल है हम कब लगाते हैं? मई जून में लगाते हैं, अभी जो सीजन चल रहा है ना, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है वो आपने देखा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, अभी टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ऊपर से क्या हो रही है, ह्यूमिडिटी भी हो रही है, ठीक है। तो धान की फसल के लिए कैसा टाइम चाहिए? उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, या मैं बोलूँ वार्म और हॉट, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि धान जनरली होता कहाँ है? ट्रॉपिकल एरिया में और सब ट्रॉपिकल एरिया में। टेम्परेट में होता है, बट वो कौन सा होता है? अपना जैपोनिका। तो या उष्ण उपोष्ण जलवायु चाहिए या वार्म और ह्यूमिड, अब जैसा कि अभी जो सीमा सीजन चल रहा है, अब जो है वार्म और ह्यूमिड तो चाहिए, उष्ण उपोष्ण चाहिए। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है धान की क्रॉप के लिए या सभी क्रॉप के लिए। तो किस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो धान की जो क्रॉप के लिए, अगर उसके लिए हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर की, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसके लिए? उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? तो याद रखना 21 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कहीं कहीं पे आपको 20 से 35 भी मिल जाएगा, ये भी सही है, दोनों में से जो ऑप्शन में मिल जाए वो आपको लगाना है। तो मतलब वही हो गया कि धान की अच्छी बढ़वार के लिए कितना चाहिए? 21 से लेके 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। याद रखना टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धान के अंदर सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्लियर। फिर बात आती है फ्लावरिंग टाइम के समय, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावरिंग के समय, फ्लावरिंग के समय कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? फ्लावरिंग के समय ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए इसको 26 से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, 26 से 29 चाहिए, ज़रूरी नहीं ऑप्शन में आपको 26 से 29 ही दे, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में आपको 25 से 30 दे दे, तो ये भी आपको सही लगाना पड़ेगा अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, या इसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है। तो हमें कई बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखना कि 26 से 29 इसका जो है फ्लावरिंग के समय, फूल आते समय, ठीक है, फूल के लिए जो इसको टेम्परेचर चाहिए कितना चाहिए? 26.5 से 29.5 सेल्सियस चाहिए, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको मैच्योरिटी के समय, राइपनिंग के समय कितना टाइम चाहिए, मैच्योरिटी के समय कितना टेम्परेचर चाहिए, मेच्योरिटी के समय, पकते समय कितना टेम्परेचर चाहिए? तो पकते समय आप ध्यान रखना, पकते समय टाइम कौन सा आ जाता है? जब धान की फसल पकना शुरू होती है तो ठंडी आना शुरू हो जाती है, कौन सा समय? सितंबर अक्टूबर आ जाता है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, सीधी सी बात, कितना चाहिए? तो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो कुछ से अपने से भी दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। टेम्परेचर चीज़ें ये याद होती नहीं है, इनको रटना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपना से भी क्या करना, एक ट्रिक या थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना कि धान की फसल हम लगाते समय टेम्परेचर कितना चाहिए था हमको? टोटल ओवरऑल टेम्परेचर 21 से 37 चाहिए, फ्लावरिंग के समय 26 से 30 चाहिए, मतलब ज़्यादा है टेम्परेचर, है ना, 25 से 30 फ्लावरिंग के समय, तो फ्लावरिंग जो है बोने के एक दो महीने बाद आ जाती है। और पकते समय और टेम्परेचर कम हो रहा, तो ध्यान रखना पकता कब है? जब सेप्टेम्बर अक्टूबर आ जाता है, तो उधर क्या हो, ठंडी शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम होगा, तो 25 से 30 डिग्री, क्लियर है। तो ये हमने टेम्परेचर की बात की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये धान की जो फसल है टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। कैसे अफेक्ट होती है? मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, ठीक है, हमने क्या बोला कि धान के लिए 21 से 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चाहिए एवरेज। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या होगा? यहाँ पे दाने जो है पूरी तरीके से नहीं भर पाएंगे, जो दाने बनते हैं पेनिकल के अंदर, जो दाने बनेंगे वो पूरी तरीके से नहीं बन पाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं अपूर्ण भराव होता है, अपूर्ण भराव होता है, दाने पूरी तरीके से नहीं भरेंगे अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। भरेंगे दाने लेकिन पूरे नहीं। आपने कई बार देखा होगा, आप जब आप फील्ड पर जाते हो जहाँ पे उसको फली को खोलते हैं, तो जहाँ पे तीन दाने होने चाहिए वहाँ पे दो ही निकलते, कई बार एक ही निकलते, उसको बोलते हैं इनपरफेक्ट फीलिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया,
ये तो 20 20 से कम हुआ तो दाने क्या हो गए, कम होंगे, है ना, पूरी तरीके से नहीं भरेगा। लेकिन अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया तो इसमें पूर्णतः क्या हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा, पूर्णतः बांझपन आ जाएगा, मतलब दाने बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, पूरी तरीके से दाने क्या हो जाएंगे, खाली, मतलब एक भी दाना नहीं बनेगा, पूर्णतः बांझपन उसके अंदर आ जाएगा अगर 12 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। क्लियर? देन अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने टेम्परेचर कम की बात की, मिनिमम लिमिट की बात की, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अगर टेम्परेचर कब, ब्लूमिंग के टाइम पे, ब्लूमिंग मतलब कि वही जिसको हम बोलते हैं खिलते समय या कल्ले निकलते समय। तो ब्लूमिंग मतलब क्या होता है कि जो लीफ शीथ होती है, लीफ शीथ जो होती है उसमें स्वेलिंग आना शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लूमिंग। ठीक है? ब्लूमिंग क्या होता है, जो लीफ शीथ लीफ होती है जिसको हम बोलते हैं लीफ शीथ होती है, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लूमिंग, उस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लूमिंग स्टेज। तो जो ब्लूमिंग स्टेज के समय अगर टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर ब्लूमिंग के समय टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि जो पराग कण है वो नहीं बनेंगे, जो पराग कण है वो क्या होंगे, जल जाएंगे, क्या होंगे, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है? मतलब जो पोलिनेशन है, जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, जल जाएंगे अगर 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो चीज़ें क्या होती है, जलना शुरू हो जाती है। तो धान के अंदर क्या होगा, जो परागकण है वो जल जाते हैं, जल जाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? मतलब कुल मिला के हमें सीड नहीं मिलेगा अगर परागकण जल जाएंगे, कब, जब 37 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है, जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है देख लो उसको। ठीक है? देखो यहाँ पे, ये अगर टेम्परेचर क्या हो गया, 12 डिग्री से कम हुआ तो क्या होगा, 12 डिग्री से नीचे जाने पर क्या होगा, पूर्णतः बांझपन आ जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला गया होगा तो अपूर्ण भराव हो जाएगा। अगर ब्लूमिंग के समय टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो क्या होगा, परागकण जल जाएंगे, और जिससे परागकण कम हो जाता है, और परागकण कम हो जाएगा तो क्या बनेगा, सीड नहीं बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं सोइल की। ये तो हो गया जलवायु और टेम्परेचर, सोइल किस तरीके की चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि धान की फसल को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, पानी की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। मतलब इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी तो बहुत कम है, लेकिन वाटर कंज्यूमिंग प्लांट है ये, वाटर को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। पानी मतलब भरा हुआ होना चाहिए, है ना भैया। हम सोइल कैसी चाहिए, जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, ऐसी सोइल चाहिए जिसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ हो। हम चाहिए ना स्टैंडिंग वाटर चाहिए, इसमें सबमर्ज प्लांट है ये, पानी भरा हुआ होना चाहिए। तो पानी भरा हुआ कब होगा, जब सोइल कैसी होगी, एकदम कॉम्पैक्ट होगी, जिसमें पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा हो। कैसी सोइल हो, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो ऐसी कौन सी सोइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसी सोइल कौन सी है, चिकनी मिट्टी, क्ले लोम जिसको हम बोलते हैं। तो धान की मृदा के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है, चिकनी या मटिया या दोमट मिट्टी, मतलब इसके हम क्या बोल सकते हैं, चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए, कौन सी, क्ले लोम सोइल इसके लिए सुटेबल है। क्लियर है? क्यों, क्योंकि क्ले लोम सोइल मतलब क्ले सोइल के अंदर तो वाटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बेस्ट किसको माना जाता है, क्ले लोम को। क्यों, क्योंकि उसमें पानी जो है प्रॉपर सोइल के अंदर फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है? तो धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट मृदा कौन सी है, तो चिकनी दोमट मटियार मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। और ये जो है धान, इसके पौधे के लिए धान मिट्टी जो है उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसके लिए पीएच होना चाहिए 4 से 6 डिग्री, 4 से 6 पीएच इसका होना चाहिए। कितना पीएच होना चाहिए उस मिट्टी का, 4 से 6 पीएच होना चाहिए। मतलब सोइल कैसी होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए, अम्लीय मृदा राइस के लिए, धान के लिए सूटेबल है। ठीक है? मतलब धान मृदा की बात हुई तो कैसी, चिकनी दोमट मृदा चाहिए इसके लिए। पीएच मान कितना होना चाहिए, कई बार आपको 5.5 से 6.5 भी मिल जाएगा, ये भी सही है, और 4 से 6 आ जाए वो भी सही है। मतलब अम्लीय मृदा इसके लिए सूटेबल होती है, पीएच 4 से 6 या 5.5 से 6.5 आ जाए वो सूटेबल है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बुआई का समय, सोइंग टाइम। 3 सीजन में हम इसको बोते हैं। क्लियर है? ये जायद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा देना, मैं बताता हूँ।
अस बोलते हैं इसको, अटमन बोलते हैं, अस अटमन, और इसको प्री खरीफ भी बोलते हैं। पहले को क्या बोला जाता है? प्री खरीफ। अस अटमन और प्री खरीफ बोला जाता है। अब प्री खरीफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मई जून में इसकी सोइंग हम करते हैं। समझना है यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है, इसको अटमन क्यों बोला जाता है। अटमन का मतलब तो ठंडी वाला सीजन होता है, सितंबर अक्टूबर होता है, तो इसको अटमन क्यों बोला गया। प्री खरीफ सोइंग टाइम के आधार पर इसका नाम प्री खरीफ है। अटमन इसका नाम हार्वेस्टिंग के आधार पर है, हार्वेस्टिंग हम करते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो अटमन जो इसका नाम रखा है वो कटाई के आधार पर, कटाई समय के आधार पर, कटाई समय के आधार पर, के आधार पर इसका नाम अटमन रखा गया है। ठीक है, प्री खरीफ क्यों है? क्योंकि खरीफ से पहले, जून जुलाई में खरीफ सीजन शुरू होता है, उसके पहले इसकी हम शोइंग करते हैं, इसको प्री खरीफ कहा जाता है। अस अटमन क्यों कहा जाता है? अस अटमन इसको हार्वेस्टिंग समय के, हार्वेस्टिंग के टाइम के आधार पर, हार्वेस्टिंग हम करते हैं सेप्टेम्बर अक्टूबर में, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसी आधार पर इसको अटमन कहा जाता है। सेकेंड आ गया खरीफ, इसको अमन भी कहते हैं और इसको रबी राइस भी कहते हैं। ठीक है, रबी भी कहते, रबी सीजन भी कहते हैं, या विंटर भी कहते हैं, इसको विंटर राइस भी कहते हैं, याद रखना। क्यों कहते हैं? कंफ्यूजन होगा आपको, हो रहा है कंफ्यूजन? मैंने खरीफ बोला जून जुलाई में कर रहे हैं, तो ये रबी और विंटर राइस क्यों बोला इसको? तो वही चीज़ है, यहाँ पे खरीफ मतलब ये इसकी सोइंग टाइम के आधार पर इसको खरीफ बोला गया है, रबी और विंटर राइस क्यों बोला गया है? उसके हार्वेस्टिंग के आधार पर। नवंबर दिसंबर का मौसम कौन सा होता है? रबी मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, ठंडी वाला सीजन होता है। तो याद रखना रबी और विंटर राइस क्यों बोला जाता है? अमन राइस को उसके हार्वेस्टिंग टाइम के आधार पर, नवंबर दिसंबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके आधार पर इसको रबी और विंटर राइस कहा जाता है। खरीफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जून जुलाई में इसको सोइंग करते हैं। सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, रबी ये बोरो हो गया, इसको इसको हम स्प्रिंग भी बोलते हैं, स्प्रिंग राइस भी बोलते हैं, याद रखना। इसको क्या बोला जाता है? स्प्रिंग राइस या स्प्रिंग पेडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में, रबी क्यों कहा? नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग करते हैं, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए स्प्रिंग कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे बोरो जो है, ये बोरो वर्ड, ये वर्ड कहाँ यूज होता है? वेस्ट बंगाल में। और एक और है डलुआ, डलुआ वर्ड यूज होता है उड़ीसा में। कहाँ यूज होता है? उड़ीसा में, ये याद रखना आपको कि बोरो वर्ड का जो यूज किया जाता है वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है, और डलुआ एक वर्ड है वो धान के लिए उड़ीसा में यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स के अंदर में दी हुई है कि इसको प्री खरीफ हार्वेस्टिंग वगैरह क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, सारा हिंदी कंटेंट है, हिंदी नोट्स हम आपको देंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बीज दर, सीड रेट क्या होगी। तो धान के अंदर हम कई सारी चीज़ें करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, सबकी अलग अलग सीड रेट होती है वहाँ पे, है ना। तो सारे सीड रेट हम समझते हैं, सबसे पहले पौध रोपाई के लिए, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना बीज चाहिएगा। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए दो तरीके की सीड, एक तो क्या, सीड की साइज़ के आधार पर। अगर छोटे सीज है तो 30 से 35 kg पर हेक्टेयर सुटेबल होगा, अगर सीड की साइज़ बड़ी है तो कितना चाहिए, 40 से 45 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर छोटे सीड है ट्रांसप्लांटिंग के लिए तो 30 से 35 kg पर हेक्टेयर ले लेंगे, और बड़े सीड है तो 40 से 45 kg पर हेक्टेयर ले लेंगे। 1 मिनट, ओके। नाउ फिर अगर हम बात करें छिड़काव विधि की, ब्रोशकास्टिंग अगर करना है, अगर हम धान की अगर ब्रोशकास्टिंग करते हैं तो उसके लिए सीड ज़्यादा लगेगा, कितना, 100 kg पर हेक्टेयर। सीड ड्रिल विधि या डिबलिंग विधि से कितना चाहिए, तो 60 kg पर हेक्टेयर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एक परफेक्ट डेप्थ में और परफेक्ट लेंथ पे सीड को सीड ड्रिल से ग्रो करते हैं। बासमती धान की कितनी होती है, तो 20 kg पर हेक्टेयर, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होती है। संकर धान की 15 kg पर हेक्टेयर होती है, ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना। SRI की अक्सर पूछी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। SRI की कितनी होती है, SRI की जो सीड रेट होती है हमारी वो 5 से 6 kg होती है। SRI मेथड के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, कहाँ से आई है, किसने दी है, किसने बनाई है, ये मेथड सारी आगे डिस्कस करेंगे। बीज का उपचार, सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सीड ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं 2.5 kg/kg ऑफ सीड, और कार्बेंडाजिम के साथ अगर मेनकोजेब मिला देंगे तो 3 g/kg ऑफ सीड के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सीड रेट बहुत IMP है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, सीड रेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संकर धान की बीज दर कितनी है, SRI विधि की बीज दर कितनी है, सारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सरी तैयार करने की विभिन्न विधियाँ, नर्सरी तैयार करने की क्या क्या कौन कौन सी विधियाँ हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। धान एक ऐसी फसल है और महत्वपूर्ण फसल है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, विधि का नाम सबसे पहले क्या है, डेपोक विधि। डेपोक विधि क्या है, ये डेपोक विधि कहाँ से आई है, फिलीपींस से बनी है, याद रखना। इसका आविष्कार कहाँ से हुआ है,
फिलीपींस से। ठीक है, डेपोक विधि कहाँ से बनी है? फिलीपींस से बनी। डेपोक विधि में होता क्या है, इसको हम जमीन पे नहीं है जब, मतलब क्या करते हैं, इसको इसकी जो नर्सरी है हम फील्ड में नहीं लगाते, इसकी नर्सरी हम कहाँ पे, कंक्रीट या सीमेंट फर्श, सीमेंट का जो फर्श होता है सीमेंट फ्लोर पे, या पोट्रे में, या लगा देते हैं ट्रे में, इसमें ऐसे लगाते हैं हम इसकी नर्सरी। ठीक है, फील्ड के अंदर नहीं लगाते इसको, हम क्या लगते हैं, जैसे जो हमारा फर्श है ना, घर का जो फर्श है उस फर्श पे, कंक्रीट के ऊपर, ट्रे के ऊपर, है ना, पोट्रे के अंदर हम इसको लगाते हैं। इसकी सीड रेट जो होती है 1.5 से 3 kg/m² स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे हेक्टेयर नहीं है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अभी तक हमने सीड रेट पढ़ी वो पर हेक्टेयर थी, लेकिन यहाँ पे 1.5 से 3 kg/m² है, और 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया चाहिए, तो 45 से 50 m² एरिया चाहिए, मतलब आप 1.5 से 3 kg/m, 1 मीटर के लिए 1.5 से 3 kg आपको क्या चाहिए, सीड रेट चाहिए, और 1 हेक्टेयर के लिए कितनी एरिया में नर्सरी लगानी पड़ेगी, तो 50 m² में आपको 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी लगानी पड़ेगी। अब मैं अगर इसको रेशियो में चेंज करूँ तो सीधी सी बात, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 m², और यहाँ कितना है, 50 m², इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आता है, 250 m². ठीक है, मतलब अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1:250 आएगा 1 हेक्टेयर के लिए। समझ में आ रहा है चीज़ें। अब इस विधि फिलीपींस में बनी है, और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है बन के, लगभग 11 से 14 दिन में ये इस विधि से पौध तैयार हो जाती है रोपने के लिए। क्लियर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी सीड रेट आपको याद रखनी है, एरिया याद रखना है, कितने एरिया लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए। फिलीपींस से ये मेथड डेवलप्ड हुई है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डेपोक विधि में कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, तो 11 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारी श्री विधि। श्री विधि मतलब वही सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI मेथड। इसकी सीड रेट हमने पढ़ ली, 5 से 6 kg होती है, कहीं कहीं 7.5 kg तक लिखी हुई है। 1 हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए, 100 m² एरिया चाहिए, कितना चाहिए, 100 m² एरिया। वही बात है, रेशियो में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10,000/100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब 1:100, 1/100 लिखोगे या 1:100, रेशियो में इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है। इस विधि का आविष्कार कहाँ से हुआ, मेडागास्कर विधि से, इसलिए इसको मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, SRI विधि का एक और नाम क्या है, मेडागास्कर विधि है। क्यों? क्योंकि मेडागास्कर में डेवलप की थी। किसने डेवलप की थी, हेनरी साइंटिस्ट हुए हैं, एक क्या नाम है साइंटिस्ट का, हेनरी नामक साइंटिस्ट हुए हैं ये, हेनरी डी लाउलिनी द्वारा 1983 में इसको ईजाद किया गया था। इसमें पौध तैयार होने में कितना समय लगता है, तो इसमें याद रखना आपको 12 दिन लगते हैं पौध तैयार होने में। कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। सारी चीज़ें IMPA, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, 5 से 6 kg/hectare सीड रेट है, 1 हेक्टेयर के लिए कितना नर्सरी एरिया चाहिए, 100 m², मेडागास्कर से विधि आई है, हेनरी नामक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी 1983 में, और 12 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, कि 12 दिन के अंदर पौध तैयार होती है। नेक्स्ट आती है भीगी क्यारी विधि, मतलब वही वेट नर्सरी। कितना सीड चाहिए, 40 से 50 kg/hectare। ये मोस्ट IMPA, यहाँ पे 1,000 m² इसका चाहिए एरिया, मतलब 1/10 m² रेशियो में आप लिखोगे तो कैसे, कि 10,000 m² 1 हेक्टेयर हो गया, कितना एरिया चाहिए, 1,000 चाहिए, तो कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 10, तो रेशियो में आपको मिल जाएगा 1/10 m² नर्सरी एरिया चाहिए, 1/10 चाहिए। ठीक है, रेशियो में आप लिखोगे तो 1:10। पौधे जो है 2 से 3 पत्ती वाले पौधे 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किससे, भीगी क्यारी विधि से, वेट नर्सरी से। याद रखना, तीनों में, डेपोक में 11 से 14 दिन में तैयार होते हैं, SRI विधि में 12 दिन में तैयार होते हैं, और भीगी नर्सरी विधि जो है, भीगी क्यारी विधि या वेट नर्सरी, उसमें 25 से 30 दिन में तैयार होते हैं। सीड रेट सबकी याद रखना, और खासकर ये एरिया आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पौध की रोपाई। जैसे हमने सारी चीज़ अभी पढ़ी है, पौध की रोपाई कैसे, कब कब क्या करनी है, तो पौध की रोपाई हम पंक्तियों में करेंगे। तो कितना चाहिए, रो टू रो 20 × 15, यहाँ पे 15 कर लेना, 20 × 15 चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें पंक्ति से पंक्ति, है ना, पंक्ति से पंक्ति, रो से रो और प्लांट से प्लांट 15 सेंटीमीटर, रो से रो, पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर चाहिए, और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर चाहिए। जनरल वाले में, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग में हमें कितनी स्पेसिंग रखनी है, 20 × 15। ठीक है, एक स्थान पर कितने, 2 से 3 पौधे लगाने हैं,
दो से तीन पौधे लगाने हैं एक स्थान पर, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे आप पौधे लगा रहे हो, ये तो आप क्या सिंगल पौधा तो लगाओगे नहीं, वहाँ पे आपको दो तीन पौधे लगाने हैं एक स्थान पे, दो से तीन पौधे लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक आपने लगाया और वो डैमेज हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा उस चीज़ का। अगर तीन आपने लगाया उसमें से अगर एक डैमेज भी हो जाता है या दो डैमेज हो जाते हैं तो एक प्लांट आपको मिल जाएगा वहाँ से, क्लियर है। तो दो से तीन पौधे हम लगाते हैं, और एक वर्ग मीटर में लगभग कितने पौधे होने चाहिए, 50 पौधे होने चाहिए, क्लियर है। एक वर्ग मीटर के अंदर 50 पौधे होने चाहिए और एक जगह पे दो से तीन पौधे होने चाहिए। ये तो नॉर्मल की बात हो गई। अगर डेपोक विधि की बात करो, डेपोक विधि में हम एक स्थान पर 5 से 6 पौधे लगाते हैं, ये भी याद रखना। डेपोक विधि में एक स्थान पर 5 से 6 पौधे लगाते हैं। एसआरएफ विधि में स्पेसिंग कितनी रखती है, 25x25, याद रखना। नॉर्मल 20x15, एसआरएफ में 25x25। पौध की गहराई कितनी रखनी है, डेप्थ आपको 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वेराइटीज़ की, किस्में की। तो वेराइटी की सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहली वेराइटी जो निकल के आई थी वो क्या है, ताइवान टीएन फर्स्ट। कहाँ से आई थी ये, ताइवान से, ताइवान से आई थी टीएन फर्स्ट, क्लियर है। टीएन फर्स्ट पहली वेराइटी थी, या इनको इंट्रोड्यूस वेराइटी बोल सकते हैं। IR8 और टीएन वर्डिया दोनों क्या थी, प्राइमरी इंट्रोडक्शन से आई थी। प्राइमरी इंट्रोड्यूस वेराइटी है IR8 और टीएन फर्स्ट। यह धान की पहली बोनी किस्म है, कौन सी, टीएन फर्स्ट। कहाँ से आई है, ताइवान से, ठीक है। 1964 की बात है, कब, 1964 में ताइवान से टीएन फर्स्ट वेराइटी प्राइमरी इंट्रोडक्शन हुआ था। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है। दूसरी IR8, ये भी क्या है, प्राइमरी इंट्रोड्यूस वेराइटी है, ठीक है। ये कहाँ से, IRA फिलीपीन से, ये 1965 में आई थी, क्लियर है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, लेकिन मनीला में नहीं है, याद रखना। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो कि ये जो राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मनीला में है, ये मनीला में नहीं है अब, याद रखना। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस में तो है, बट कौन सी जगह पे, मनीला में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये चेंज हो गया, ये लॉस बेनोज, ये लॉस बेनोज में शिफ्ट हो गया है, ये याद रखना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अपडेट हो गई, लेकिन अभी जो आपकी बुकें हैं, जो कॉम्पिटेटिव बुक है, वो अभी तक अपडेट नहीं है। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में तो है, लेकिन मनीला में नहीं है। कौन सी जगह पे शिफ्ट हो गया, लॉस बेनोज फिलीपींस में हो गया है, क्लियर है। तो वहाँ ये IR8 जो है वेराइटी डेवलप की गई थी 1965 में, ठीक है। और ये जो वेराइटी है, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वेराइटी है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इसको वर्ल्ड की मिरेकल राइस कहा जाता है, याद रखना। कंफ्यूजन कहाँ होगा कि मिरेकल राइस है, आपको ऑप्शन जया मिलेगा, IR8 मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया के अंदर पूछा जाए कि इंडिया की मिरेकल राइस जया है, और मिरेकल राइस पूछा जाए तो IR8 है, ठीक है। पहली बोनी किस्म है जिसे मिरेकल राइस भी कहा जाता है, अधिक उत्पादन देने वाली, क्लियर है। IR8 कैसे बनी थी, तो राइस के अंदर जीन कौन सा होता है, डिजोविजेन और पेटा के क्रॉस से, इसके क्रॉस से बनी है। डिजोविजेन जो होता है राइस का ड्वार्फिंग जीन है, ठीक है। राइस का ड्वार्फिंग, डिजोविजेन जो है राइस का ड्वार्फिंग जीन है, उसका पेटा के साथ क्रॉस करवाया तो क्या बनी, IR8 बनी। IR8 जो है ये ऐसी किस्म है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली किस्म है, इसको मिरेकल राइस कहा जाता है। मिरेकल राइस क्यों कहा जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है और पहली बोनी किस्म है, क्लियर है। 1965 में डेवलप हुई थी। उसके बाद जगन्नाथ है, ठीक है। जगन्नाथ भी ये किससे, म्यूटेंट वेराइटी है, याद रखना। म्यूटेंट किससे बनी है, T141 के म्यूटेशन से बनी है, तो ये क्या है, म्यूटेंट वेराइटी है। आप सब लोगों ने तो पढ़ा है कि जगन्नाथ म्यूटेंट वेराइटी है, लेकिन किसके अंदर म्यूटेशन करने पर ये बनी है, तो T141 जो वेराइटी है उसके अंदर उत्परिवर्तन करके ये वेराइटी बनाई गई है, तो जगन्नाथ जो है म्यूटेंट वेराइटी है। जया आपने पढ़ा है TN1 और TN141 के क्रॉस से बनी है, इसलिए भारत की ये पहली बोनी किस्म है और इसको जादुई धान कहते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है कि जया जो है TN1 और TN141 के क्रॉस से बनी है और भारत की पहली, याद रखना, भारत की पहली सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, याद रखना, ड्वार्फ नहीं, ये कौन सी है, सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, भारत की पहली सेमी ड्वार्फ वेराइटी है जया, और सबसे अधिक उत्पादन देती है, उसके लिए इसको जादुई धान कहा जाता है। फिर ये हो गया पूसा राइस 10। पूसा राइस 10 जो है विश्व में बासमती धान की पहली किस्म है। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP अक्सर पूछा गया है कि PRS 10 या पूसा राइस 10 जो है
धान की विश्व के अंदर पहली बासमती राइस है, हाइब्रिड राइस है, याद रखना, पहली हाइब्रिड राइस है, याद रखना, क्लियर। फिर CORH1, ये जो है भारत की पहली संकर किस्म है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, हमने यहाँ क्या बोला, यह विश्व की बासमती धान की पहली संकर किस्म है, यहाँ पे क्या वर्ड जुड़ा है, बासमती जुड़ा है। अगर बासमती जुड़ जाए कि बासमती राइस की पहली संकर किस्म तो PRS10 है, और सिर्फ नॉर्मल आ जाए कि चावल की पहली संकर किस्म कौन सी है तो CORH1 है, क्लियर है। और पूसा बासमती 1 यह IARI द्वारा विकसित की गई अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है। पूसा बासमती 1 किसने डेवलप किया, IARI दिल्ली पहली बोनी किस्म है, क्लियर है। और भी किस्में हैं, यह सब IMP किस्में हमने यहाँ रखी, वही है। सूखा अवरोधी कौन सी है तो किरण, कंचन, बाला, कावेरी। लवण रोधी, लवण रोधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, लुनुश्री, ठीक है, इसको याद रखना है। सुगंधित किस्में, बादशाह भोग, हंसराज और साकेत, इसमें बादशाह भोग मोस्ट IMP है, ये सुगंधित है, सेंटेड। जलमग्न किसने कौन सी, जय सूर्या, जगन्नाथ, पंकज, मधुकर, जलमग्न, जलदी, सभी लोग ऑलमोस्ट जल के नाम से ही है। अब देखो यार, जलमग्न जय सूर्या हो गया, जगन्नाथ, पंकज, पंकज मतलब कमल का होता है पानी में, मधुकर, जलमग्न और जलदी, ये सब आपको याद करने पड़े। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कौन सी है तो मधुकर और चकैया, चकैया मोस्ट IMP है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्लियर। सारी IMP जितने भी IMP वेराइटीज थी यहाँ पे किस्में थी वो हमने यहाँ पे ले ली है। अब बात करते हैं गोल्डन राइस की, है ना, जैसे कि पीछे आपको कलर में दिख भी रहे हैं सारे गोल्डन राइस ही दिख रहे हैं। तो गोल्डन राइस जो है ये क्या है, ट्रांसजेनिक राइस है ना, जिसको हमने बोला था ना जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन हमने पढ़ा हुआ है। तो ट्रांसजेनिक राइस मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया है, इसका अनुवांशिक रूप से इसको ट्रांसजेनिक प्रजाति है, और ये इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब बीटा कैरोटीन इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसके जनक कौन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इग्नोपोट्रिकस इसके जनक है। गोल्डन राइस के पिता किसे कहा जाता है, तो इग्नोपोट्रिकस को माना जाता है गोल्डन राइस के जनक। ट्रांसजेनिक राइस है, याद रखना, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, गोल्डन राइस इज ए क्वेश्चन आएगा ट्रांसजेनिक। दूसरा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया, विटामिन ए किस धान में सबसे अधिक पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस के पिता कौन है, इग्नोपोट्रिकस। एक होता है सुपर राइस, क्लियर। सुपर राइस का जो आइडिया है किसने दिया था, GH खुस साहब ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, GH खुस ने ये आइडिया दिया था, ठीक है। ये जो लुनुश्री किस्म जो है वो सुपर राइस ही एक तरह से, लुनुश्री जो किस्म हमने पढ़ी है जो साल्ट टॉलरेंट है, ठीक है, साल्ट टॉलरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर राइस ही है। सुपर राइस की वजह से हुआ क्या है कि यहाँ से 15-25% तक यील्ड जो है इंक्रीज हो जाती है, ये याद रखना। सुपर राइस में का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट जो GS खुद साहब लेके आए हैं, जो लुनुश्री वेराइटी है वो सुपर राइस ही है, इसमें 15-20% जो है यील्ड इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट NPK की। NPK सीधे आपको याद रखना है 120, 60 और 50। जनरली अब NPK के ऊपर क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट आपको ये याद रखना है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें रखी है उसको याद नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है बोनी किस्म के लिए, क्लियर। इसके साथ आप हम जिंक सल्फेट देते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट देते हैं, वो कितना देते हैं, 25 kg पर हेक्टेयर, ये याद रखना है। धान की फसल में हम जिंक कितना देते हैं, तो 25-30 kg पर हेक्टेयर हम देते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4 देते हैं, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। अब नाइट्रोजन का डोज हम देते हैं 2 या 3 स्प्लिट में देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लीचिंग होती है वहाँ पे 3 स्प्लिट में देते हैं, जहाँ पे कम लीचिंग के चांस रहते हैं 2 स्प्लिट में देते हैं। तो हाफ तो हम यहाँ दे देंगे, है ना, हाफ तो हम फर्स्ट बेसल डोज में देंगे, हाफ कब देंगे, बेसल डोज में हाफ हम दे देते हैं बेसल डोज में। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, फास्फोरस फुल देते हैं और पोटास फुल देते हैं, ये तो हम फुल देते हैं, और हाफ नाइट्रोजन दे देते हैं बेसल डोज में। फिर जो है 1/4 जितना बचा उसका 1/4 हिस्सा कब देते हैं, 20-25 दिन में, और बाकी जो बचा 1/4 हिस्सा वो देते हैं उसके बाद, मतलब 40-50 दिन में या 40-45 दिन में, क्लियर है। इस तरीके से नाइट्रोजन दिया जाता है 3 डोज में। यहाँ पे क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होती है, राइस के अंदर क्या होता है, ये सबमर्ज कंडीशन होती है, पानी भरा रहता है, 2 जोन होते हैं, एक रिड्यूस जोन होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीडाइज जोन होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको, हाँ यहाँ पे आएगा इसे जब वाटर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, है ना। 2 जोन होते हैं, एक रिड्यूस जोन होता है, एक ऑक्सीडाइज जोन होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज जोन होता है ऊपर होता है, मतलब आप 10 mm तक का जो लेयर देखोगे वो क्या होती है, अगर नीचे से 10 mm तक की लेयर देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज जोन होता है, ऑक्सीडाइज जोन होता है, ठीक है।
और एक उसके नीचे जो एरिया होता है, उसके नीचे की जो लेयर होती है वो होती है रिड्यूस जोन। क्या होती है? रिड्यूस जोन होती है। तो हमें नाइट्रोजन जो देते हैं हम राइस के अंदर, वो हम अमोनिया फॉर्म में क्यों देते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है ना। अगर हम अमोनिया फॉर्म में क्यों देते हैं, अगर हम उसको रिड्यूस जोन में नाइट्रेट फॉर्म में दे देंगे, NO3 फॉर्म में दे देंगे नाइट्रेट फॉर्म में, तो ये रिड्यूस जोन है, तो यहाँ पे क्या होता है, धान के अंदर पानी बना रहता है, तो लीचिंग के द्वारा वो कहाँ चला जाएगा, न्यूट्रेंट पूरा नीचे चला जाएगा, लीच आउट हो जाएगा और प्लांट को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर देते हैं। अमोनियम फर्टिलाइजर कहाँ देते हैं, रिड्यूस जोन में। ध्यान देखना, NH4+ ये हम कहाँ देते हैं, रिड्यूस जोन में। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है उसमें लीचिंग का इशू नहीं आता। और जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है वो हम कहाँ देते हैं, ऑक्सीडाइज जोन में देंगे, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती है वहाँ पर हम देते हैं। क्लियर है? और जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, रिड्यूस जोन, वहाँ पे हम क्या देते हैं, अमोनिया फर्टिलाइजर देते हैं, नीचे वाला जोन रहता है, और अगर हम नाइट्रेट को दे देंगे तो लीचिंग हो जाएगा। और नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा लीचिंग जो होती है धान के अंदर वो विनाइट्रीकरण से होती है, विनाइट्रीकरण से होती है, ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा लगभग 60% लॉस हो जाता है विनाइट्रीकरण से। क्लियर है? तो ये न्यूट्रिएंट का हमने देखा। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। तो धान आप सब जानते हैं वाटर लविंग, मतलब पानी उसको ज़्यादा चाहिए, तो लगभग धान के अंदर 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाटर चाहिए। कितना? 150 सेंटीमीटर ज़्यादा, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए। धान को तीन अवस्था है, या चार दे दी, धान की तीन अवस्थाएं हैं, रोपाई छोड़ दो आप, उससे तो चाहिए, ब्याथ, बाली निकलते समय और दाने भरते समय पानी की सर्वाधिक, पानी मतलब उस समय पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। और क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो ब्लूम बूटिंग स्टेज, इसको हम क्या होते हैं, बूटिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, बाली निकलने वाली स्टेज जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिटिकल स्टेज होती है, उस समय पानी चाहिए ही चाहिए। तो ब्याथ के समय, बाली निकलते समय और दाने भरते समय सर्वाधिक पानी की ज़रूरत होती है। इन अवस्थाओं में 5 से 6 मीटर पानी जो है खेत के अंदर भरा ही होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक पानी खेत के अंदर भरा होना चाहिए इन अवस्थाओं में। अब दो चीज़, धान जब हम लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके 1 सप्ताह बाद से लेके हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले तक पानी भरा होना चाहिए। मतलब हमें लग रहा है कि अब हार्वेस्टिंग आ गई है, 15 दिन पहले हमें पानी बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कटाई के 15 दिन पहले हम पानी निकाल कर सिंचाई बंद कर देते हैं। सबसे कम पानी उपयोग दक्षता वाली फसल है, मतलब यहाँ पे वाटर एफिशिएंसी सबसे कम है, लेकिन वाटर की खपत, पानी की खपत सबसे ज़्यादा किस में होती है, धान में होती है। क्यों होती है? आपको पता है कि 1 किलो चावल का उत्पादन करने के लिए राइस के अंदर 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब 5,000 क्या, लगभग 5,500 लीटर पानी की आवश्यकता हो गई है। क्लियर है? इसलिए आप हरियाणा के अंदर एक अभियान चला गया, मेरा मेरी विरासत करके, मेरा पानी मेरी विरासत करके एक योजना चलाई जा रही है, वो इसीलिए कि हम धान की खेती को कम करके किसी और खेती पर शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि धान के अंदर सबसे ज़्यादा पानी लगता है ना, कि मतलब नॉर्मल जो क्रॉप है उससे 400 से 500, 10 टाइम्स ज़्यादा, नॉर्मल क्रॉप से 10 टाइम्स ज़्यादा वाटर लगता है। नॉर्मल क्रॉप जो है हमारे उसमें कितना लगता है, 400 से 500 लीटर पानी लगता है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा पानी लगता है राइस के अंदर। मतलब 1 किलो चावल उत्पादन करने के लिए 5,000 से लेके 5,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? इसलिए सबसे ज़्यादा पानी की खपत, मतलब राइस ऐसी फसल है जिसको पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसकी वाटर यूज इफिशियंसी सबसे कम है, लेकिन वाटर कंज्यूमिंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि वाटर यूज इफिशियंसी कितना है। सबसे कम तो है बट है कितना, तो इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो है 3.7 kg पर हेक्टेयर mm। यूनिट भी आप याद रखना, वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट जनरली पूछ ली जाती है। वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है, kg पर हेक्टेयर mm। तो सबसे कम होती है राइस के अंदर, 3.7 वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। क्यों होती है, आपने देख लिया, 1 kg उत्पादन करने के लिए 5,000 लीटर पानी इसको चाहिए। सबसे ज़्यादा किसकी होती है वाटर यूज एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है फिंगर मिलेट की। किसकी होती है, फिंगर मिलेट की। ठीक है, बहुत कम पानी में हो जाती है, इसको चाहिए 13.4 इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है kg हेक्टेयर पर mm, सबसे ज़्यादा फिंगर मिलेट की होती है। अभी आपको याद रखना है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, तो हम दो क्या करें, यहाँ पे दो निराई कर सकते हैं, 120 से 25 दिन के ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन बाद हम निराई कर सकते हैं। निराई आप हाथों से भी कर सकते हो और किससे कर सकते हो, पेडीविडर से भी कर सकते हो। पहली निराई यहाँ कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद दूसरी आप कर सकते हो 40 से 45 दिन बाद,
डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग या 40 से 45 बाद। दूसरी आप निराई कर सकते हो खुरपी या पेडिकुलर से। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, अगर आप हर्बिसाइड यूज़ करना चाहो तो एक है ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, और एक होता है प्रोपोनिल, प्रोपोनिल। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड है राइस के लिए, क्लियर है? ये दो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्री इमरजेंस है और ये जो है वो पोस्ट इमरजेंस है। बाकी और भी सारे मोस्ट आईएमपी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पढ़ लेना है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं? प्रोपानिल और ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो है प्री इमरजेंस और प्रोपानिल जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, क्लियर है? बाकी और भी सारे बहुत सारे हैं, बट आपको मेन याद रखना है प्रोपानिल और ब्यूटाक्लोर, क्लियर है? मेन खरपतवार की बात करें तो इसके अंदर मेन खरपतवार कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा अगर इसमें प्रॉब्लम देता है खरपतवार तो वो है इकाइनोक्लोवा, इकाइनोक्लोवा स्पीसीज। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है अपलैंड राइस में, जहाँ पे हम डायरेक्ट सीडेट करते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आता है इकाइनोक्लोवा स्पीसीज की। ये जो वीड है इसी की वजह से लोग जो है अपलैंड राइस कम करते हैं और लोलैंड राइस पर जाते हैं। एक होता है इकोर्निया क्रिसिपस, एक होता है इकोर्निया क्रिसिपस जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं, क्रिसिपस जलकुंभी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जलकुंभी। ये भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है राइस के अंदर, क्यों? क्योंकि राइस क्या है? सबमर्ज प्लांट है, मतलब पानी के अंदर आधा डूबा हुआ प्लांट होता है, तो उसके अंदर ये जलकुंभी नामक खरपतवार भी प्रॉब्लम करता है, ठीक? उसके बाद आ गए कटाई और कहाई, मतलब हार्वेस्टिंग कब करेंगे? तो जब हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर 80% तक क्या हो, बालियाँ निकल के, 80% बालियाँ और 80% दाने पक जाए, तब हम हार्वेस्टिंग करेंगे। मतलब 80 से 90% जो हमारे गेंद जो है पक कर तैयार हो जाए तब हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। मेन्स बेस्ट चीज़ है यहाँ पे, क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने परसेंट इसमें हम क्या रखें? मॉइस्चर, तब हम हार्वेस्टिंग करें। तो हार्वेस्टिंग के समय 20% मॉइस्चर होना चाहिए राइस क्रॉप के अंदर, तब है हमें हार्वेस्टिंग करनी है। क्या राइस की क्रॉप के हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय कितनी नमी होनी चाहिए? 20%, क्लियर है? और भंडारण के समय कितना होना चाहिए नमी? 12% भंडारण के समय नमी होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्टिंग के समय कितना चाहिए? 20% नमी चाहिए, और भंडारण के समय 12% नमी चाहिए। उपज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो, देसी किस्मों में 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाती है, और संकर अगर हाइब्रिड है तो 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ये एग्जाम में आज तक अब यील्ड पूछी नहीं जाती, ठीक है? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रोग हम इंटोमोपेथों में पढ़ेंगे। बात आती है धान में की जाने वाली प्रमुख विशेष क्रियाएँ, पडलिंग है ना, धान के अंदर हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग क्यों करते हैं? पडलिंग हम करते हैं स्टैंडिंग वाटर में, जब धान के अंदर हम क्या करते हैं 5 से 15 सेंटीमीटर वाटर पानी भरा हुआ रहता है, तब हम धान के अंदर क्या करते हैं? पडलिंग करते हैं। कितना? 5 to 15 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ रहता है, तब हम धान के अंदर क्या करते हैं? पडलिंग करते हैं। पडलिंग किससे करते हैं? पडलिंग एक पडलर इक्विपमेंट होता है, पडलर से हम करते हैं। पडलिंग करने का मेन रीज़न क्या रहता है कि सोइल को क्या करना, सोइल के अंदर क्या करना, हार्ड लेयर बना देना नीचे। हार्ड लेयर बनाने से क्या होगा, पानी जो है वो परकोलेट नहीं होगा, तो उसके जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो लीचिंग के थ्रू नीचे नहीं जाएंगे, क्लियर है? और दूसरा मेन एडवांटेज क्या है, खरपतवार को हम कंट्रोल करते हैं पडलिंग के थ्रू, क्लियर है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है, वही कीचड़ मचाने का, मतलब वही है कि मृदा को क्या करना, नीचे से एकदम हार्ड कर देना, जिससे क्या हो कि पानी परकोलेट होकर नीचे ना जाए और न्यूट्रिएंट की हानि ना हो, और दूसरा क्या है, खरपतवार को कंट्रोल करना, ठीक है? दूसरी प्रोसेस क्या है, बुशनिंग। बुशनिंग क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप हमने लगा दी, यंग क्रॉप, ठीक है, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर जो स्टैंडिंग वाटर में हम करते हैं इसको, स्टैंडिंग वाटर 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस प्लोइंग करते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस प्लोइंग। किसमें? यंग क्रॉप में, जो क्रॉप अभी बोई गई है 20 से 25 दिन की क्रॉप है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, क्रॉस प्लोइंग करते हैं। मान लो ये हमने धान इस तरीके से बोई हुई है, तो उसके अंदर हम इस तरीके से क्या करेंगे, प्लोइंग कर देते हैं, ठीक है? बुशनिंग का मतलब क्या होता है, धान के अंदर क्रॉस प्लोइंग करना। जब पानी 5 से 10 सेंटीमीटर भरा हो तब हम उसमें क्रॉस प्लोइंग कर देते हैं, और ये क्रॉस प्लोइंग कब करते हैं, यंग क्रॉप के अंदर करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है दूसरा, एक तो पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशंस को मेंटेन रखना, ठीक है? क्या करना, प्लांट पॉपुलेशन को, एक तो पॉपुलेशन को मेंटेन करना, दूसरा वीड कंट्रोल करना, वीड को कंट्रोल करना,
ठीक है, वही लिखा है, आवश्यक पौध संख्या प्राप्त हो खरपतवार को नियंत्रित कर सके। तो बुशनिंग प्रोसेस का क्या मेन रीज़न क्या है कि हम जो फसल है हमारी जो यंग क्रॉप है उसमें हम क्रॉस प्लोइंग करना बुशनिंग कहलाता है। और इसका करने का मेन उद्देश्य क्या है, एक तो प्लांट की जो पॉपुलेशन है, पौधों की जो संख्या है वो हमें अच्छी बना के रखना है, दूसरी चीज़ खरपतवार को नियंत्रित करना। फिर आता है हलिंग। हलिंग जैसे कि मैंने बताया, हल जो ग्राइस का जो ग्रेन होता है उस पर दो छिलके से वो टाइटली इनक्लोज होता है, एक लेमा और पेलिया दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। और उस हल को निकालने का के लिए एक मशीन यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं हलर। और हल ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, हलिंग कहलाती है। ठीक है, चावल के दाने से छिलका हटाने की क्रिया हलिंग कहलाती है, मतलब वही हो गया। छिलका क्या होता है, छिलका को हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। हल मतलब क्या होता है कि लेमा और पेलिया से जो दाना एक कवर्ड है ना, उस दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक साथ अगर बोलेंगे तो उसको हल बोलेंगे। और हल को अलग करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो हलर होती है, और हलिंग की जो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हलिंग कहलाती है। और धान के अंदर हलिंग प्रतिशत कितना होता है, लगभग 65% होता है, प्रेशर से 66%। क्लियर है। फिर आता है मिलिंग प्रोसेस। तो धान के चावल हम क्या करते हैं, उसमें पॉलिशिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि धान का जो ये जो हलिंग के बाद अपन दाना जो जो ग्रेन होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन राइस बोलते हैं उसको, है ना, ब्राउन कलर का होता है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, दाने की पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने की जो प्रोसेस होती है उसको मिलिंग कहते हैं। तो लगभग 2% पॉलिशिंग का जो परसेंटेज होता है वो 2% होता है। और मिलिंग के द्वारा जब हम माइन मिलिंग करते हैं उसमें विटामिन बी जो है वो लॉस हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्राउन राइस है उसमें क्या होता है, एल्यूरॉन लेयर होती है, उस लेयर को निकालते हैं जिसको हम ब्रान बोलते हैं ना, उस लेयर को निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, विटामिन बी जो होता है वो लॉस हो जाता है। विटामिन बी में भी स्पेशली कौन सा, थायमिन का लॉस हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो पॉलिश राइस बार बार खाते हैं उसमें क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्लियर है। फिर आता है पैराबॉइलिंग। पैराबॉइलिंग मतलब होता है चावल को आधा पकाना, ठीक है, उसमें स्टीम देना, भाप देना। होता क्या है कि पहले चावल को हम क्या करते हैं, 24 से 48 घंटे तक पानी में सोक करते हैं, उसको भिगो के रखते हैं। उसको निकालने के बाद, ठीक है, चावल को 24 से 48 घंटे, 24 से 36 घंटे, 24 से 48 घंटे उसको वाटर के अंदर क्या रखते हैं, सोक करके रखते हैं, ठीक है, पानी में भिगो के रखते हैं। उसको निकालने के बाद लगभग 25 से 30 मिनट रखने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टीम देते हैं। स्टीम कितना देते हैं, ये भी देते हैं, 15 से 20 मिनट तक इसको स्टीम देते हैं, ठीक है, इसको क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। पानी को गर्म जल के द्वारा अधूरा पकाया जाता है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नहीं पकाया जाता, आधा, मतलब 15 से 20 मिनट तक स्टीम देते हैं, जिससे चावल में जो पकने की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो जाता है। मतलब उसके अंदर क्या होगा, जो विटामिन B12 है वो कंजर्व हो जाता है। और इस दौरान उसमें चावल के अंदर क्या होता है, जो पोषक मान होता है उसके न्यूट्रिएंट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसको हम पार बॉइलिंग बोलते हैं। क्लियर है। मतलब पहले हम 24 से 48 घंटे उसको पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, उसके बाद फिर उसको निकालने के बाद फिर 24 से 48 घंटे उसको रखते हैं, उसके बाद 15 से 20 मिनट, हार्डली 25 से 30 मिनट तक उसको स्टीम देते हैं, भाप देते हैं, उसको आधा पकाते हैं। क्लियर है। जिसके अंदर उसमें विटामिन B12 जो है वो कंजर्व हो जाता है, और भी सारे पोषक तत्व जो है, वे न्यूट्रिएंट है, वो कंजर्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं, सारा पूरी जो स्टडी थी हमने धान की वो सारी कंप्लीटली कवर कर ली। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमने धान की यहाँ पे खत्म कर ली। तो महत्वपूर्ण बिंदु, धान एशिया का व भारत की जनसंख्या का क्या है, स्टेबल फूड है। क्लियर है। जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारा हमने ये सारी चीज़ पढ़ ली है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट्स के अंदर सारे मिल जाएंगे। बस आज पहली क्लास है तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके के आपको IMP पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, संकर धान की खेती चीन में सर्वाधिक होती है। चीन मतलब संकर धान जो हाइब्रिड राइस है सबसे पहले चाइना में हुआ था, ठीक है, और उसके फादर कौन थे, यान लिंग पिंग, ये फादर थे हाइब्रिड राइस के विषय में। और इंडिया के अंदर हाइब्रिड राइस के फादर सिद्दकी को कहा जाता है। सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, सिद्दकी को कहा जाता है। संकर धान के जनक वही यांग लॉन्ग पिंग को कहा जाता है, और भारत के अंदर किसको कहा जाता है, सिद्दकी। सिद्दकी जो है भारत के अंदर संकर धान के जनक है, ये भी याद रख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना। फिर भारत में धान का क्षेत्रफल उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल पे। भारत के अंदर की बात करें तो एरिया और प्रोडक्शन कहाँ पे है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और प्रोडक्टिविटी की बात आएगी तो प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पंजाब में, क्लियर है। एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है धान का? वेस्ट बंगाल में। प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? पंजाब में। उत्पादकता में प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है, क्लियर। धान का परीक्षण टेस्ट वेट क्या होता है? धान का जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, और बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या होता है? 25 ग्राम। अब टेस्ट वेट और एक होता है सीड इंडेक्स, ये दोनों चीज़ होती क्या है? क्लियर है। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट वेट, पढ़ रहा हमने परीक्षण भार पढ़ा है, सीड इंडेक्स पढ़ा कि धान का 25 ग्राम होता है, बासमती राइस का 21 होता है, व्हीट का 40 होता है, गेहूं के अंदर 40 होता है। तो ये होता क्या है टेस्ट वेट? मतलब टेस्ट वेट में मतलब हम क्या करते हैं, इनको सीड की साइज के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। मतलब जो छोटे सीड हैं उसके लिए क्या बोला गया है? टेस्ट वेट। टेस्ट वेट जो है, जो स्मॉल सीड है, तो उसमें कितने लेते हैं हम? 1000 ग्रेन। 1000 ग्रेन का क्या लेते हैं? वेट लेते हैं, जो स्मॉल सीड होते हैं, जो छोटे सीड होते हैं उनके लिए, ठीक है। और सीड इंडेक्स में क्या होता है? सीड इंडेक्स में जो बोल्ड सीड होते हैं, सीड इंडेक्स में हम क्या लेते हैं? 100 ग्रेन का वेट लेते हैं जो बोल्ड होते हैं, ठीक है। बोल्ड सीड होते हैं, जो बड़े सीड होते हैं उनके लिए। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, टेस्ट वेट हमने यहाँ पे इसका धान का भी क्या पड़ा? 25 ग्राम पड़ा। तो टेस्ट वेट करने की ज़रूरत क्या है? हम 1000 दाने को लेके उसका वेट क्यों करते हैं? उसका मेन रीज़न रहता है दो चीज़ें, एक तो उसकी क्वालिटी, देन मार्केट प्राइस, दोनों, ठीक है। मान लो अभी आपने आपके खेत में धान उगाया, ठीक है, धान उगाने के बाद आप मार्केट में बेचना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, उसके 1000 दाने को ले लो, क्योंकि धान के अंदर टेस्ट वेट होता है। 1000 दाने को लेके उसका वेट लो। अगर आपका वेट 25 ग्राम आ रहा है, मतलब आपके धान की क्वालिटी और आपके धान का जो मार्केट प्राइस है आपको अच्छा मिलने वाला है। ये टेस्ट वेट का मेन रीज़न ही यही है, मतलब टेस्ट वेट करने का मेन कारण ही यही है कि आपको मार्केट की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये टेस्ट वेट से हम पता कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट वेट 25 नहीं आ रहा, आपका टेस्ट वेट मान लो 20 आ रहा है ना, या मान लो 18 ही आ रहा है, मतलब आपके जो ग्रेन है, आपका जो धान है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो टेस्ट वेस्ट करने का मेन रीज़न ही यही रहता है कि हमें मार्केट प्राइस और जो उसकी क्वालिटी है वो पता चल जाती है, ठीक है। धान के छिलके में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइस ब्रान ऑयल होता है। कितना प्रतिशत ब्रान ऑयल होता है राइस के अंदर? 18 से 20% ब्रान ऑयल होता है। धान के अंदर ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 6 से 7% प्रोटीन होता है, क्लियर है, ठीक है, ये याद रखना। ओराइजिन नामक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कितना पाया जाता है? 6 से 7%। बासमती चावल के अंदर जो खुशबू आती है किसकी वजह से आती है? डाई एसिटिलीन 1-प्रोपेलीन के कारण आती है, इसको भी याद रखना। ये केमिकल की जो धान के चावल में हमें जो खुशबू आती है वो डाई एसिटिलीन 1-प्रोपेलीन केमिकल की वजह से आती है। धान के खेत से क्या निकलती है? मिथेन गैस निकलती है, CH4। धान की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, वही हमने बोला, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 35 या 21 से 37 चाहिए। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाले हुए हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे आप इसको अच्छे से पढ़ सको। वही दोमट मृदा चाहिए इसके लिए, pH 4 से 6, 10×15, ठीक है, इसको सुधार लेना धान में, इसकी जो स्पेसिंग। धान की सिंचाई की वही बूटिंग अवस्था सबसे जो है क्या है? क्रिटिकल स्टेज है। क्रांतिक अवस्था कौन सी है धान के लिए? तो बूटिंग अवस्था है। धान के खेत में 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए। बोनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है? DGU जेन है। 120/60/50 इसमें क्या चाहिए? NPK चाहिए। धान की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। सबसे ज़्यादा अमोनियम सल्फेट यूज़ किया जाता है, क्लियर है। धान की फसल में उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नत्रजन में हानि सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती है? मैंने बताया विनाइट्रीकरण से। कितनी होती है? लगभग 60% तक लॉस हो जाता है विनाइट्रीकरण से। और ये जो BGA है ये 25 से 30 kg/ha नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक और होता है एजोटोबैक्टर भी इसमें यूज होता है। एजोटोबैक्टर जो है वो नॉन सिम्बायोटिक है, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये याद रखना, ठीक है। एजोटोबैक्टर जो है नॉन सिम्बायोटिक है और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मुख्य खरपतवार मैंने बताया कौन सा है? जलकुंभी, कॉर्निया है, मिरेकल राइस कहा जाता है, जादुई जया को। बंगाल में जो अकाल आया था उसके लिए पत्ती धब्बा रोग। गंधीपक जो है दुधियावस्था पर आक्रमण करता है, मिल्की स्टेज पर। धान का सर्वाधिक क्षेत्र पर 42 मिलियन हेक्टेयर भारत में है। पेरा और उतेरा फसल का संबंध किससे? धान से। ये मोस्ट IMP याद रखना, पेरा और उतेरा धान से है। मतलब धान की जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, धान की हार्वेस्टिंग करने से पहले हम अगर मान लो वहाँ पे लिंसिड या लेंटिल की क्रॉप अगर लगा रहे हैं तो उसको हम पेरा उतेरा बोलते हैं।
धान की प्रचलित शाकनाशी प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। धान में उत्पादन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है धान का खैरा रोग, जीन की कमी से होता है, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा आता है। धान की जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितना है, 30 से 40% है। धान का जो एल्बिडो मान है वो 12% होता है। एल्बिडो मान मतलब कि होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितनी लाइट आई और कितनी रिफ्लेक्ट हुई, उस रेशियो को हम एल्बिडो कहते हैं। धान के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व तो कौन सा है, सिलिका है, याद रखना। अतिरिक्त लंबे चावल के लिए लंबाई कितनी होती है, मोर देन 7 mm जो है अतिरिक्त लंबे चावल की लंबाई होती है। और धान के अंदर उपयोग किया जाने वाला बायो हर्बिसाइड कौन सा है, तो कोलेगो। कोलेगो है धान के अंदर बायो हर्बिसाइड है जिसका हम यूज़ करते हैं। धान के अंदर अकोजी डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, H2S विषाक्तता के कारण, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। धान का किलर रोग कौन सा है, टुंग्रो वायरस। कौन सा है, टुंग्रो वायरस किसकी वजह से होता है, इसका वेक्टर क्या है, ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर जो है धान का टुंग्रो वायरस का वेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको लेक्चर के साथ मिलेंगे, मतलब आपके नोट्स में जो पूरी क्रॉप्स है उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको क्रॉप के साथ मिलेंगे। तो ये पूरा हमारा लेक्चर था आज, पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ पेडी क्रॉप्स।